नोटिफिकेशंस एंड पब्लिक सेटिंग्स। जब हम फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते यानी ऑफलाइन होते हैं, तब भी हमारे दोस्त फेसबुक पर किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त होते हैं। हो सकता है हमारे ऑफलाइन रहते वक्त कोई मित्र हमें टैग करे या आमंत्रण भेजे। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपके किसी दोस्त का जन्मदिन हो, इसलिए फेसबुक ऐसी सूचनाएं आपको ईमेल पर या फोन पर मैसेज के जरिए प्रदान करने की सुविधा देता है। नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर ये संभव है। इस सेक्शन का पहला विकल्प है ऑन फेसबुक। इस विकल्प का उपयोग करके अपने फेसबुक मित्रों की गतिविधियों की जानकारी या लाइक किए हुए पेजेस की जानकारी मिलने के लिए उसके नोटिफिकेशंस यहां से ऑन या ऑफ किए जा सकते हैं। ऑन फेसबुक के सारे विकल्पों को देखने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह फेसबुक खुद ब खुद हमें सभी गतिविधियों की सूचना देता है। पर अगर आप फेसबुक से मिलने वाली नोटिफिकेशंस को बंद करना या बदलना चाहते हैं तो यहां ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए अब इसका एक प्रात्यक्षिक देखते हैं। ऑन फेसबुक के टैग विकल्प पर जाएं। यदि आप चाहते हैं कि फेसबुक पर किसी के भी द्वारा टैग किए जाने पर आपको सूचना मिले तो इस बटन पर क्लिक करें। आप आगे भी तीन विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है एनीवन। इसे चुनने के बाद जब भी कोई व्यक्ति पोस्ट या फोटो में आपको टैग करेगा तो आपको सूचना प्राप्त होगी। ये व्यक्ति आपका फेसबुक मित्र हो सकता है और नहीं भी। यदि आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाला दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आपको केवल तभी सूचना मिलेगी जब आपके मित्र के किसी मित्र ने आपको टैग किया हो। इस विकल्प के अंतर्गत जब कोई अन्य व्यक्ति आपको टैग करेगा तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तीसरा विकल्प है फ्रेंड्स। इस विकल्प को चुनने पर ये विकल्प आपके फेसबुक मित्रों को छोड़कर किसी अन्य से आने वाले टैग के नोटिफिकेशन नहीं देगा। ऐसे ही यहां आप देख रहे विकल्पों का व्यवस्थापन कर सकते हैं। अपने इच्छानुसार सही विकल्प चुनें और बटन के एक क्लिक के साथ आपको भेजी जा रही सूचनाओं का प्रबंधन करें। जब आप फेसबुक पर ऑफलाइन हों या इसका उपयोग नहीं कर रहे हों, तब भी आपके द्वारा लाइक किए गए पेज और फेसबुक मित्र कोई न कोई अपडेट करते रहते हैं। अपने मेल बॉक्स में ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन में ईमेल विकल्प का उपयोग करें। ईमेल में एडिट बटन पर क्लिक करें। आप उन सूचनाओं की एक लिस्ट देखेंगे जिन्हें आप फेसबुक का उपयोग न करते वक्त ईमेल पर प्राप्त करना चाहेंगे। आपको जो पहला सेक्शन दिखेगा वो है व्हाट यू विल रिसीव। यहां तीन और विकल्प हैं। पहला विकल्प है ऑल नोटिफिकेशंस एक्सेप्ट द वंस यू अनसब्सक्राइब फ्रॉम। इस विकल्प को चुनने पर सभी फेसबुक नोटिफिकेशन आपको ईमेल किए जाएंगे। ईमेल का एक नमूना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा विकल्प है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अबाउट यू और एक्टिविटी यू हैव मिस्ड। इस विकल्प को चुनने पर आपको अपने ईमेल पर ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर आपको टैग किया गया है, आपकी टाइमलाइन पर आपके फेसबुक मित्र द्वारा कोई भी पोस्ट अपलोड की गई हो, इस हफ्ते या इस महीने आने वाले आपके दोस्तों के जन्मदिन, ये स्क्रीन आपको अपडेट के बारे में फेसबुक से प्राप्त ईमेल दिखाती है। अगर आप ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो तीसरा विकल्प चुनें जो है ओनली नोटिफिकेशंस अबाउट योर अकाउंट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस विकल्प को चुनने पर आपको सिर्फ आपके फेसबुक अकाउंट की सुरक्षा व गोपनीयता की जानकारी भेजी जाएगी। इसके अलावा फेसबुक आपके द्वारा बनाए गए पेज की सूचना भी भेजेगा। मतलब ये कि फेसबुक आपको तभी सूचनाएं भेजेगा जब आपके अकाउंट को अपडेट की आवश्यकता होगी या आपके द्वारा बनाए गए पेजेस को अतिरिक्त फीचर्स के साथ उन्नत बनाया जाएगा। इस तरह के नोटिफिकेशन का एक उदाहरण अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी विकल्पों के नीचे आप एक सेक्शन देख सकते हैं जो है
नोटिफिकेशंस यू हैव टर्न्ड ऑफ। यदि बंद की गई सूचनाओं को ईमेल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो टर्न ऑन बटन पर क्लिक करें। अब आपके फेसबुक अकाउंट में ऐसी कोई भी गतिविधि होने पर आपको अपने ईमेल बॉक्स में नोटिफिकेशन या सूचना मिलेगी। यदि आप अपने मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में अपडेट्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के आखिरी विकल्प पर क्लिक करें। आपको योर मैसेजेस आर नाम के सेक्शन के साथ दो बटन ऑन और ऑफ नजर आएंगे। टेक्स्ट नोटिफिकेशन को चालू करने के लिए ऑन बटन पर क्लिक करें। सेंड टेक्स्ट मैसेज अबाउट सेक्शन में जाकर आप जिस तरह के मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मौजूद विकल्प चुन सकते हैं। सारे बदलाव के बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। अब जब भी आपके द्वारा तीन विकल्पों में से चुनी गई गतिविधि आपके अकाउंट में होगी तो आपको टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होंगे। आपको अपने फेसबुक अकाउंट में एक ऐसा फोन नंबर जोड़ना होगा जिस पर आपको टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकें। फोन नंबर जोड़ने के लिए नोटिफिकेशंस के अंतर्गत मोबाइल विकल्प पर जाएं। इस विंडो में अपना मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए ऐड मोबाइल फोन नंबर नाम के लिंक पर क्लिक करें। आपके नंबर की पुष्टि करने के लिए एक और विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में पहली फील्ड में आपको अपने देश का कोड डालना होगा। देशों की सूची में से भारत का चयन करें। अपने भारत देश के टेलीकम्युनिकेशन के लिए +91 कोड है। इसे चुनने के बाद अपना फोन नंबर पास ही में मौजूद बॉक्स में टाइप करें। यह पुष्टि करने के लिए कि मोबाइल नंबर सही है, फेसबुक मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए आपको विशेष कोड प्रदान करेगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और एंटर कंफर्मेशन कोड। ये विंडो आपके सामने खुलेगा। इस विंडो में फेसबुक द्वारा भेजा गया कोड टाइप करने के लिए आपको ये एक बॉक्स दिखेगा। फेसबुक द्वारा आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, वो कोड यहाँ टाइप करें। इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर की पुष्टि होने पर आप ऐसा विंडो देखेंगे। यहाँ ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपकी फेसबुक गतिविधियों से संबंधित टेक्स्ट मैसेज इस नंबर पर भेजे जाएंगे। आपके द्वारा अपलोड की गई पोस्ट पर कौन कमेंट कर सकता है, कौन फेसबुक यूजर आपको फॉलो कर सकता है, ये तय करने के लिए आप पब्लिक पोस्ट सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां मौजूद पहला विकल्प है हु कैन फॉलो मी। जब भी आप अपनी टाइमलाइन पर कुछ पोस्ट करते हैं या फेसबुक पर कोई अन्य गतिविधि करते हैं तो फेसबुक आपके सभी फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन भेजता है। अगर आप चाहते हैं कि केवल आपके फेसबुक मित्र आपको फॉलो करें तो इस बटन पर क्लिक करें और फ्रेंड्स विकल्प को चुनें। यदि आप यहां पब्लिक विकल्प चुनते हैं तो फेसबुक पर कोई भी आपको खोजकर आपको फॉलो कर सकता है। यदि आप एक पोस्ट सार्वजनिक तौर पर अपलोड करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि केवल आपके फेसबुक मित्र ही इस पर कमेंट कर सकें तो यहां एडिट बटन पर क्लिक करें। यहां नीचे आपको ये बटन दिखेगा, इस बटन पर क्लिक करें। अब फ्रेंड्स विकल्प का चयन करें। अब सिर्फ आपके फेसबुक मित्र ही आपकी सार्वजनिक पोस्ट पर कमेंट कर सकेंगे। यदि आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स विकल्प चुनते हैं तो आपके फेसबुक मित्रों के मित्र भी आपकी सार्वजनिक पोस्ट पर कमेंट कर सकेंगे। यदि आप पब्लिक विकल्प चुनते हैं तो कोई भी आपके द्वारा अपलोड की गई सार्वजनिक पोस्ट पर कमेंट कर सकता है। अगला विकल्प है पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशंस। अपनी सार्वजनिक पोस्ट पर कमेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको तीन विकल्प मिलेंगे। पहला है पब्लिक। इसे चुनने के बाद जब भी कोई आपकी सार्वजनिक पोस्ट पर टिप्पणी करेगा तो आपको इसकी सूचना मिलेगी। कमेंट करने वाले
चाहे आपके फेसबुक मित्र हों या अन्य हों।